चलिए अपने सिलेबस में निकाले लेसन नंबर 4 और चलिए यहां से शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 और चलिए अपने टेक्स्ट को पढ़ने के द्वारा हम यहां पर शुरू करते हैं। ये टेक्स्ट जिसका उपयोग हम कर रहे हैं इस क्लास के लिए रोमियो अध्याय 1:1-3 तक। एम्पलीफाइड बाइबल कहती है कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया सुसमाचार जो कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के बारे में है। और वचन 3 कहता है ये तो उसके पुत्र के बारे में सुसमाचार है। फिर से आज के समय पिता हम तेरे सामने में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु की तेरा वचन सच में बहुत ही सामर्थी है, दोधारी तलवार से भी तेज है। प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं कि तू इस योग्य है कि हमारे आत्मा प्राण और शरीर को गुदे गुदे को अलग करें और सच में तू हमारे उद्देश्यों को और हमारे दिल के विचारों को जांचता है। प्रभु तेरे धन्यवाद कि तेरा वचन चंगाई देने के लिए भेजा गया है, पुनर्गठन के लिए। और पिता आज हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण तू चंगाई लेकर आ, पुनर्गठन लेकर आ, हमें ऐसे बना कि हम सच में पश्चाताप करें और बदल जाएं, सोच बदल दे और हम देखें कि सच में तू कौन है। यीशु के नाम में आमेन। जानते हैं आज के दिन जैसे हम इस शिक्षा को आगे देखने जा रहे हैं, हमने स्थापित किया था इस बात को, यानी इस क्लास का नाम दिया, इस क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है सुसमाचार का मुख्य भाग, यीशु मसीह के सुसमाचार का मुख्य भाग क्या है। और हमने इस शब्द की परिभाषा देखी और ये भी देखा कि इसकी परिभाषा में क्या है। ये सार आज तो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है, कुछ भी हो शायद ये सो रहा है वहां पर। ये तो भीतरी स्वभाव है, ये तो मानो असली तत्व है, ये तो दशा है या फिर उस बात का संविधान है। अब यहाँ पर हमारे टेक्स्ट से यहाँ देखिए पौलुस कहता है कि वो प्रेरित है और उसे बुलाया गया प्रचार के लिए परमेश्वर के सुसमाचार को। और जैसे एम्पलीफाइड कहती है, मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है, जैसे यहां पर पौलुस ने कहा है, जानते ये कहता है मैं तो सुसमाचार जो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर का है। मैं सोचता हूं जैसे हम इसे यहां पर देख रहे हैं, यदि ये सुसमाचार परमेश्वर के बारे में है, यदि सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है, तो हम इस बात को पूरी तरह समझ ले और इसके बारे में अच्छे से चित्र को ले ले और ये जान ले कि सुसमाचार का मुख्य सार क्या है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसके असली स्वभाव को, चरित्र और परमेश्वर को जान ले। आमेन। क्योंकि ये सुसमाचार ये ऐसा नहीं जिसे परमेश्वर बस ऐसे ही दे रहा है, ये सुसमाचार उसके बारे में है, ये उसकी ओर से है। तो फिर देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसे देखेंगे यानी जानेंगे और समझेंगे ये भीतरी स्वभाव को जो कि असली पदार्थ है, या फिर कहिए ऐसी परिस्थिति या ऐसी बातें जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है। मैं इसे शुरू में ही बताना चाहता हूं कि हालांकि मैंने यहाँ पर इतनी मजबूत परिभाषा उपयोग की है, मैंने सोचता कि क्या सच में मैं इसे पूरा जाना, मैं इसे पूरा नहीं जानता हूं। परमेश्वर महान है, वो बहुत बड़ा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। आप जानते हैं कल की क्लास के समय, शाम के समय एक बहन मेरे पास में आई और उसने कहा जानते हैं मैं ये सोचती थी कि मैं समझती हूँ कि हाँ परमेश्वर भला है, और उसने कहा जितने मैं आपके क्लास में सुनती हूँ मैं जो सोचती हूँ वो उससे भी भला है। जानते हैं मैंने सोचा ये तो बस बहुत ही सच है, क्योंकि जितना ज्यादा आप गौर करेंगे, जितना ज्यादा प्रभु को अनुमति देंगे कि वो खुद को प्रकट करे, वो इतना बेहतर होता है।
आमेन, हालेलुया। यानी आज हम यही तो करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर शुरू करेंगे और हम देखेंगे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बुनियादी ऐसी वास्तविकता है जो बाइबल हमें देती है, पुराने और नए नियम से। कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, मतलब वो वही परमेश्वर है। और हम यहाँ पर इनमें से कुछ बातों को देखेंगे। हम यहाँ पर इसे देखेंगे और हम अपने दिल को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और हम अपने आप को इसे खोलेंगे जैसे कि ये है, परमेश्वर के बारे में इन सत्य के लिए खुद को खोलेंगे। क्योंकि हम इस बात को समझेंगे कि अगर हम जान लेते हैं कि परमेश्वर ये है, तो फिर हम इस बात को समझते हैं कि उसका वचन तो बिल्कुल वही है जो कि वो खुद है। आमेन। सुसमाचार तो बिल्कुल वही है जो वो है। यानी पहली बात जो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो है, ये तो बस बुनियादी सच्चाई है, सत्य है। और मैं ये नहीं सोचता कि ऐसा एक भी विश्वासी नहीं है जो ये विश्वास करता है कि ये सच नहीं है। और वो ये है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर की भलाई। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर भला प्रभु है? आमेन, ये सच है। और इसी कारण मैंने यहीं से इसे शुरू किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये ऐसी जगह जहाँ पर हम सब जुड़ सकते हैं, हम एक साथ आ सकते हैं। हमें इसके सच्चे सार को समझना होगा, जानना होगा कि सच में परमेश्वर कौन है। खैर, मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसके बारे में अभी सोचा है और बहुत से लोगों ने मुझसे बातें की हैं। खैर, मैं आपको बताऊं, आप इसके बारे में जानने के लिए मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने एक किताब लिखी है, नाम है परमेश्वर को जानना और उसका अनुभव करना। और मैंने गैरी से और सब लोगों से पूछा कि क्या ये मेरे लिए संभव है कि ये आप सभी के लिए मैं उपलब्ध करवाऊं, यदि आप और जानना चाहते हैं। और इसके लिए मुझे लगभग 5 साल लग गए ये किताब लिखने के लिए। खास करके मैंने ये किताब इसलिए लिखी कि मैं अपने दिल को इसके लिए सहमत कर दूं। और सच में उस लेख से और उस अध्ययन से और उस लेख के कारण प्रभु के साथ 5 साल समय बिताया, उसका परिणाम तो ये किताब है जिसमें मैंने समय निकाला कि मैं इन सारी बातों को लिख लूं, क्योंकि मुझे एक एक लाइन की जरूरत थी, यानी परमेश्वर के वचन का अध्ययन, कि मुझे ऐसी जगह पर लेकर पहुंचा सके। मैं इसे आपके लिए उपलब्ध करवाना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने ये ज्यादा कॉपियां नहीं लाई है, लेकिन एक मैंने लाई है ताकि दिखाऊं कि ये कैसी है। यदि कोई दिलचस्पी लेता है इसमें, तो फिर मैं सोचता हूँ कि कल हम फिर से यहाँ मुलाकात करेंगे। और फिर हम उस समय क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रजिस्टर लेकर आएंगे, नाम लिखेंगे कौन इसे चाहता है, और निश्चय आपको इसे देंगे। मैं सामान्य रूप में इस किताब को $15 में बेचता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए इसे $10 में दूंगा, और ये किताब आपके लिए मैं उपलब्ध करना चाहता हूँ। यानी यदि आप इसे चाहें तो मैं आपको सच में सलाह दूंगा कि आप इसे जरूर लें। मुझे इसके बारे में जानना है, इसके बारे में प्रकाशन पाना है, तो ये किताब आपकी मदद करेगी। आमेन, आमेन। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग हो गई है। आमेन। अब हम परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। भजन संहिता के किताब में दाऊद हमें बताता है, ये यहाँ पर हमें सच्चा और महत्वपूर्ण प्रकाशन देता है कि ये सुसमाचार का जो दिल है, मुख्य भाग क्या है, बताता है कि परमेश्वर सच में कौन है। देखिए, दाऊद ऐसा मनुष्य था, मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर के सच्चे चरित्र को, परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। यदि पुराने नियम में ऐसा कोई व्यक्ति है जो जो ये जानता था, या जिसने अनुभव किया उस अनुग्रह, दया और प्रेम को, परमेश्वर की क्षमा को, वो दाऊद था। जानते हैं बाइबल दाऊद के बारे में क्या कहती है? एक बहुत ही विख्यात बात जो लोग दाऊद के बारे में कहते हैं कि दाऊद तो परमेश्वर के दिल के जैसा व्यक्ति था। आमेन। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही सामर्थी बात है। और मेरे अधिकतर मसीही जीवन में मैंने हमेशा इसे देखा। मैं हमेशा चाहता था कि इसी तरह से जो बात है मेरे बारे में कही जाए कि मैं परमेश्वर के दिल का सा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं हमेशा इस बात को नहीं समझता था कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए कुछ पल के लिए दाऊद के बारे में सोचते हैं। जानते हैं, ज्यादातर बात जो हम दाऊद के बारे में सुनते हैं वो ये है, हमें दाऊद के बारे में सिखाया गया ये, यदि आप एक छोटे बच्चे हैं और आप जाते हैं बच्चों के चर्च में जाते हैं, देखिए हमेशा हमने ये सकारात्मक बात को सुना है दाऊद के बारे में कि वो कितना सामर्थी व्यक्ति है। और मैं इस पे संदेह नहीं करता कि वो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे साथ में दाऊद के बारे में सोचिए कि वो सच में कौन था।
और उसने क्या किया? यहाँ पर यह मनुष्य था जो जी रहा था 3 बार मृत्युदंड की आज्ञा में। आप कहेंगे ये कैसा है, तो सुनिए, दाऊद ऐसा मनुष्य था, वो तो ऐसा था जिसे अपनी सेना के साथ में वहां पर युद्ध भूमि पर उस समय होना था, लेकिन वो घर में ही रहा। और जानते हैं शाम के समय वो अपनी छत पर वो गया और वो सारे यूएफओ देख रहा था। वो सारे अनजाने ऐसे स्त्रियों को देख रहा था। आपको इसे समझना ही होगा और आपको इस बात को जानना ही होगा। देखिए, ये जो विचार उसमें था, ये कोई ऐसे एक बार ही अकस्मात बात नहीं थी। जरूर ये ऐसा होगा। देखिए, मैं खुद ये सोचता हूँ, और देखिए मैं सोचता हूँ हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस कारण वो घर में रहा होगा, क्योंकि वो जानता था कि दिन के अगर समय, इस निश्चित समय में अगर वो जाए तो वहां पर उसे देखना पसंद आएगा। आमेन। मैं सोच रहा हूं, जानते हैं, देखिए कई बार लोग ये कहते हैं कि हाँ आप इस बात के बारे में सोचते हैं क्योंकि शायद आप ऐसा ही करेंगे, शायद, मुझे पता नहीं, जानते हैं। देखिए, मैं इस बात को समझता हूं, आप कभी भी ये न कहे कि मैं इसे कभी नहीं करूंगा। आप निश्चय कुछ भी कर सकते हैं यदि सही परिस्थिति हो, सही समय, सही जगह हो, सही वातावरण हो, तो हम सब लोग कुछ भी करने के योग्य हैं। यानी यहाँ पर दाऊद था, वो बस देख रहा था और वो जानता था कि वो इस समय वहां पर है। कुछ समय से वो उसे देख रहा था। ये जो सारी योजना है, ये बस एक बार ऐसे अकस्मात देखने से नहीं आई है। और देखिए, ये तो कुछ समय के बीतने के बाद में हुई। वो उसने देखा, वो जानता था, उसे पसंद आई। अब जानते उसके बाद में क्या हुआ? उसने सबसे पहले व्यभिचार किया, मृत्युदंड के योग्य, ये मृत्युदंड है। और फिर अपने व्यभिचार को, अपने शर्म को ढांकने के लिए उसने क्या किया? उसने वहां पर हत्या करवा दी। दाऊद के बारे में सोचिए, वो एक पारिवारिक मनुष्य था। मतलब देखिए, वो इस तरह का व्यक्ति था। वो वैसे बच्चों का पिता था जो सब बहुत ही भयानक निकले। उसके खुद के घर में ऐसी परेशानी थी। उसके एक बेटे ने बलात्कार किया, उसकी एक बेटी का, अपनी बहन का। अब देखिए, लोग क्या करते हैं पास्टर के साथ जिसका जीवन ऐसी दशा में है? हम उसे निकाल देंगे, मतलब वो चला जाएगा, ठीक है? उसके एक बेटे ने उसकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर के दिल का साफ व्यक्ति था। और देखिए, जब भी मैंने इस बात को देखा, मैंने परमेश्वर से कहा, अगर परमेश्वर दाऊद के लिए जगह है तो निश्चय मेरे लिए भी है। मतलब मैंने किसी की हत्या नहीं की है। आमेन। जब तक ये हत्या के बारे में यीशु की परिभाषा न ले, उसके बाद तो हम बड़े हत्यारे हैं, लेकिन आमेन। मतलब यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो, तुमने हत्या कर दी। देखिए देखिए, मैं यहां पर यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब यहां पर ये कहता है कि दाऊद परमेश्वर के दिल का सा व्यक्ति था, इसका मतलब निश्चय ही कि परमेश्वर ने दाऊद की ओर देखकर इस तरह से नहीं कहा होगा, वाओ, अद्भुत व्यक्ति है। नहीं, इसका मतलब यही है कि दाऊद, देखिए इसके शब्दों का अर्थ देखिए, दाऊद परमेश्वर के दिल का सा व्यक्ति था, ये कहता है। दाऊद तो ऐसा मनुष्य था, हालांकि उसके जीवन में ये सारी बातें पूरी तरह से सत्य तो थी, उसका दिल जो है परमेश्वर के सच्चे चरित्र, उसके स्वभाव के पीछे जाता था। उसने परमेश्वर को प्रभावित किया।
यही तो परमेश्वर को बहुत ही प्रभावित करता है कि ऐसा मनुष्य जिसके जीवन में ये सारी बातें वहां पर थी, लेकिन फिर भी उसका दिल तो निश्चय ही परमेश्वर के दिल के पीछे जाता था। और जब उसने परमेश्वर के दिल को प्राप्त किया, उसने ये पाया कि परमेश्वर तो एक भला परमेश्वर है और वो दयालु परमेश्वर है। और उसने भरोसा किया कि परमेश्वर उस पर दया करेगा, अनुग्रहकारी और दया करेगा, उसके लिए भला रहेगा इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी। क्यों दाऊद के ऊपर पथरवाह नहीं किया गया? देखिए, उसे क्यों मार नहीं दिया गया? ऐसा क्यों हुआ? देखिए देखिए, तीसरी मृत्युदंड की आज्ञा तो तब की है जब भविष्यवक्ता उसके पास आता है, कहता है, दाऊद मैं तुझे एक कहानी बताऊंगा। और उसने कहा, एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब था, और इस गरीब के पास में केवल एक ही कीमती ऐसा मेमना था। और धनी व्यक्ति तो धनी था, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उस धनी व्यक्ति ने जाकर उस गरीब के मेमने को मारा और उससे भोज दिया। और दाऊद वहां पर बहुत ही गुस्से में आया, उसने कहा, निश्चय न्याय होगा, उस व्यक्ति को मरना ही होगा। और फिर भविष्यवक्ता ने कहा कि तू ही वो व्यक्ति है, तू ही वो व्यक्ति है। अब देखिए, तुरंत ही इस बात को जान ले, जब आप इसका अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि तुरंत ही जब भविष्यवक्ता ने इस बात को सुना, तो उसने उसने मुड़कर कहा, हे प्रभु, मुझ पर तू दया कर। क्यों? क्योंकि वो अपेक्षा नहीं कर रहा था कि परमेश्वर उसे मार दे, वो अपेक्षा कर रहा था कि परमेश्वर उस पर दया करे। मैं विश्वास करता हूं दाऊद के बारे में, इसी ने परमेश्वर को प्रभावित किया। और इसलिए हम जानते हैं कि दाऊद ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर के दिल का सा। हालेलुया। यानी ये दाऊद, अब यहाँ पर सुनिए भजन में कैसे लिखता है। भजन संहिता 107 वचन 1 ये कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा तो सदा की है। परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग ये कहें, जिसने उसे दुष्ट के हाथ से छुड़ाया है और उन्हें उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम के सभी देशों से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर उन्होंने न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनकी सकेती से छुड़ाया, उनकी सकेती से उसने छुड़ाया। अब यहाँ पर मैंने ये सब इसलिए पढ़ा, बस आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर उसके पहले वाक्य की ओर बताने के लिए, इस भजन के शुरू के वचन के बारे में। वो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। ध्यान दे, यहाँ दाऊद इस तरह से नहीं कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला हो सकता है, या उसने जो भले काम किए हैं, या उसके जो भले काम हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग करता है। वो कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। परमेश्वर तो भला है। और देखिए, मैं इसे अच्छे से बताऊंगा और आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ही स्पष्ट बात होगी, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ कुछ लोग होंगे जो कि मेरे जैसे ही होंगे। हालांकि मैंने इन शब्दों को कहा, लेकिन मैं इस बात को नहीं देखा कि ये क्या है। मेरे साथ निकाले भजन 34, भजन 34। भजन 34 वचन 7। ये कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, वो उन्हें छुड़ाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अब देखिए, मुझे ये वचन बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए ये वचन ये कहता है, वो कहता है कि परख कर देखो। परखना क्या है? कहिए, हम स्वाद की परिभाषा किस तरह से करेंगे? शारीरिक अनुभव। और देखिए, मैं सोचता हूं कि हम इसे एक अनुभव कह सकते हैं। आमेन। सामान्य रूप में वो इस तरह से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम खुद इस बात का अनुभव कर लो कि परमेश्वर तो भला है। चलिए मैं आपको उदाहरण दूं कि ये किस तरह से है। जानते हैं, चखें, चखना, तो देखिए ये तो वो ऐसा अनुभव है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने यात्रा शुरू की, यहाँ पर अमेरिका में मैं आने लगा और मैं सेवकाई कर रहा था यहाँ पर साउथ कैरोलिना में।
पास्टर और उनकी पत्नी रविवार की सभा के बाद में वो मुझे लेकर गए। उस समय वो ऐसा रेस्टोरेंट था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। नाम था अबैक। कोई गया है अबैक में? आमेन। हम वहां पर गए और मैं आपको बताऊं, ये खाना तो बहुत ही अच्छा था। अब देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे डेजर्ट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जानते हैं कुछ मौके पर कुछ डेजर्ट्स होते हैं जो मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे चॉकलेट ब्राउनी। और जब खाना पूरा हो गया तो पास्टर ने मेरी ओर देखकर कहा, क्या आपने इसके पहले यहाँ कभी खाना खाया? मैंने कहा, नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा, रुको, आपने कुछ भी स्वाद नहीं लिया है। उन्होंने कहा, यहाँ पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है चॉकलेट थंडर फ्रॉम डाउन अंडर। मतलब अगर आपने इसे पहले खाया है तो आप निश्चय ही जानते हैं कि मैं किस बारे में कह रहा हूँ। खैर, उन दिनों में जब मैं पहली बार यहाँ पर अमेरिका में आया था, यात्रा करते हुए मैंने देखी कि यहाँ पर जो पोर्शन जो ये देते हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा होते हैं। और खैर, उन दिनों में मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा, लेकिन वो मेरे सामने बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। वो लेकर आए ये चॉकलेट थंडर फ्रॉम डाउन अंडर। हमने उसे टेबल के बीच में रखा और हम सबके पास अपने अपने स्पून्स थे। और देखिए, वो इस तरह से दिख रहा था जैसे ये ब्राउनी वो तो लगभग इस आकार की थी। मतलब वो तो बहुत ही अच्छी मॉइस्ट ब्राउनी थी जिसके ऊपर ये सुंदर चमकने वाला टॉपिंग था। वो अच्छी गर्म थी और उसके ऊपर में वहां पर ये दो स्कूप थे वेनिला, वेनिला आइसक्रीम के स्कूप थे। और वो निश्चय ढाकी थी, उसके ऊपर कुछ क्रीम लगी हुई थी और उसे बहुत ही अच्छी तरह से चॉकलेट क्रीम से उसे सजाया था। और उसके ऊपर ये अच्छी लाल चेरी थी और उन्होंने इसे सामने रख दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने हमें ऐसे बड़े स्पून दिए जो इतने लंबे थे ताकि हाथ को न लगे। और पास्टर ने मुझसे कहा कि आप इसे जरूर खाएं। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने स्पून उस आइसक्रीम में रखा और फिर वो चॉकलेट ब्राउनी में गया और फिर उसे खोला और मैंने उसे मुंह में रखा। और मैं निश्चित हूं कि मैंने सुन लिया कि स्वर्गदूत क्या कह रहे थे। मतलब वो ऐसा था, हालेलुया। मैं देख सकता हूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई है क्योंकि ये तो सबसे अच्छा ऐसा डेजर्ट जो मैंने अपने जीवन में कभी खाया है। मतलब वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब जानते हैं, लेकिन देखिए, वो तो सच में बहुत ही अच्छा था। मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि आप सभी लोग जब इसे सुन रहे थे, आपने कहा ओ हाँ। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया कि आपके मुंह से पानी बहने लगा है? और आप में से कितने लोग, यदि आपने इसे पहले खाया है तो अभी उसका स्वाद आपको याद आ गया? बताइए जरा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसे जाने। आप वो खाने जा रहे हैं आज? ये तो मुझे इन सारी बातों को याद दिलाता दिलाता है। और निश्चय आज रात आप इसका आनंद लेंगे। लेकिन खैर, कुछ भी हो, यहाँ यहाँ दाऊद कहता है, चख कर देखो, देखो खुद से जानो। देखिए, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो कभी मुझे इसके बारे में सहमत नहीं कर सकते हैं कि ये जो चॉकलेट चॉकलेट थंडर फ्रॉम डाउन अंडर, ये अच्छा नहीं है। शायद वो इसके बारे में मुझे सहमत कर सकते हैं कि इसके बारे में ये सारी जो बुरी बातें हैं, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं, ये अच्छा है। और इसके बारे में आप मेरा मन नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्वाद लिया है, मैंने इसका अनुभव किया है। अब यहां पर दाऊद यहां पर इस तरह से कहता है, इसी समय वो कहता है कि हमें परमेश्वर के बारे में ऐसा ही करना है। हमें उसे जानना होगा और ऐसी जगह जाना है कि हम उसे जान ले, कि हम उसका स्वाद ले सके। देखिए, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं जो चॉकलेट थंडर फ्रॉम द अंडर खाया हो। मैंने आपके सामने इसे नहीं रखा, लेकिन मेरे शब्दों के द्वारा यहां पर आपके मन में एक चित्र है जो आपने यादों से बनाया है, कि आप में से जो लोग जिन्होंने इसे पहले कभी नहीं खाया है, सुनिए जरा। तो मैंने आपको जो बताया उससे आपने चित्र बनाया है और इसने आपके अंदर में कुछ किया है। आपने
देखिए यहाँ पर ऐसी जगह इस तरह, देखिए यहाँ तक कि आपके मुंह से पानी आने लगा, आपने जवाब देना शुरू किया इन शब्दों को। देखिए यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ में बिल्कुल ऐसा ही है। सुसमाचार इसी तरह से काम करता है, ऐसे ही काम करता है, इस तरह से शब्द काम करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से कहता है कि स्वाद लेके देखो, हम कैसे ले सकते हैं, क्या हम बाइबल को यहाँ पर चाटेंगे? जानते हैं देखिए यहाँ ये इस तरह से नहीं कह रहा है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और आप देखते हैं कि सुसमाचार यहाँ पर प्रकट किया गया है, परमेश्वर का चरित्र जो है वो प्रकट किया गया है यहाँ पर। देखिए सुसमाचार का जो मुख्य सार जो है वो सच है, परमेश्वर ये तो भला परमेश्वर है और इसीलिए ये सुसमाचार तो भला है। और इसलिए जब आप सुसमाचार को देखते हैं, इसे सुनते हैं, आप इसे पढ़ते हैं, इस पर मनन करते जाते हैं, ये तो आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव डालता है। आप इसका स्वाद लेते हैं और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर भला है। चलिए मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज है। यीशु, मुझे यहाँ पर कुछ मदद चाहिए, मिल गई। ओ, क्या ये काम करेगा? नहीं, मैं देख रहा हूँ म्यूजिक स्टैंड, लेकिन चलिए इस पुलपिट को ही ले लेते हैं। क्या यहाँ पर म्यूजिक स्टैंड है? हाँ हाँ वहां पर है। हाँ भाई, मुझे यहाँ पर लाकर दीजिए, मैं एक उदाहरण का उपयोग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ निश्चय ही आप इस तरह से सोचेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूँ। जी मैं चाहता हूँ। कितने लोग मेरे साथ सहमत है कि ये म्यूजिक स्टैंड है? आमेन। क्या इसे यहीं पर यही तो कहते हैं म्यूजिक स्टैंड, क्या इसे कोई और नाम दे सकते हैं? ठीक है फिर, यानी हम सब, हाँ ठीक है, क्या हम सब सहमत हैं कि ये म्यूजिक स्टैंड है? खैर यहाँ पर जो लोग हैं इसे शायद आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये म्यूजिक स्टैंड है, ठीक है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि ये म्यूजिक स्टैंड तो बना है, मुझे लगता है ये एल्युमिनियम का है, लेकिन चलिए कहते हैं स्टील, ठीक है, ये स्टील से बना है। अब मैं चाहता हूं हम इससे समझ लें। दाऊद इस तरह से कहता है, वो कहता है परमेश्वर तो भला है, ये नहीं कहता परमेश्वर भला हो सकता है, ये नहीं कहता कि परमेश्वर में भलाई है, वो कहता है परमेश्वर भला है। देखिए भले के लिए हिब्रू शब्द, ये तो गणित का भी शब्द है, यानी इक्वल टू। परमेश्वर इज इक्वल टू भला है। तो ठीक है, चलिए यहां पर उदाहरण को देखते हैं। म्यूजिक स्टैंड तो है स्टील का, यानी मैं म्यूजिक स्टैंड के बारे में कह सकता हूं कि ये म्यूजिक स्टैंड है। क्या सही कहा? कम ऑन जवाब दीजिए। जानते हैं बाइबल कहती है यीशु ने लोगों के सामने कारण दिए। मैं यहां पर केवल सिखाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ सोचे, यानी आप इसमें जुड़ते हैं, यानी ये म्यूजिक स्टैंड है। सही कहा ना? आमेन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये म्यूजिक स्टैंड है, मैं कह सकता हूं कि ये स्टील है। दोनों सही है, क्यों? चलिए सही शब्द में कहूं कि ये जो म्यूजिक स्टैंड जो है वो तो स्टील है। आमेन। और इसीलिए देखिए यहां पर यही तो बात है, यदि आज यहां पर आता हूं, कहिए कहिए कि लगभग 6 महीने तक मैं वेगस में चले जाऊं, पार्टी करूं, सिगरेट पीऊं, मजा करूं। सुनिए जरा, जानता हूं ऐसी कल्पना करना मुश्किल होगा, लेकिन कहिए 6 महीने तक मैं वहां पर रहता हूं, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं की, प्रभु के बारे में कभी नहीं सोचा, और मैं यहां पर आता हूं और यहां पर पहुंचता हूं और अपना हाथ रखता हूं इस म्यूजिक स्टैंड पर। देखिए यहीं पर तो ये बात है जो बहुत बहुत ही सरल दिखती है कि आप जवाब दें, और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। यदि मैं इस म्यूजिक स्टैंड पर अपना हाथ रखता हूं तो क्या मैं म्यूजिक स्टैंड को छू रहा हूं? क्या मैं स्टील को छू रहा हूं? ठीक है, चलिए कहते हैं एक और बार, कहीं मैं यहां पर आता हूं और पिछले 6 महीने तक मैं एक पहाड़ पर रहा, बस अकेले कैबिन में रहा,
और मैंने 50 बार बाइबल पढ़ ली और प्रतिदिन मैंने 5 घंटे तक प्रार्थना की, 2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना की। परमेश्वर के साथ में मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव पाया है और मैं आता हूँ वहाँ पहाड़ से नीचे और यहाँ पर आता हूँ और आकर छूता हूँ म्यूजिक स्टैंड को। क्या मैं म्यूजिक स्टैंड को छूता हूँ? क्या मैं स्टील को छूता हूँ? ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इसे देखें। यानी मेरी जो दशा है वो नहीं बदलती है म्यूजिक स्टैंड को। सही कहा ना? तो हम क्यों विश्वास करते हैं कि हमारी दशा परमेश्वर को बदल देती है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि चाहे मेरी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब मैं परमेश्वर के साथ में यहां पर संपर्क में आता हूं, तो यहां पर मैं संपर्क में आता हूं इस केवल एक ही बात के साथ, मैं परमेश्वर के संपर्क में आता हूं और भलाई के संपर्क में आता हूं, चाहे मेरी दशा जो भी हो। आमेन। चाहे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दशा कौन सी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस स्तर पर इसे छूता हूं। मतलब कोई कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ऊपर से छूता हूं या फिर नीचे से छूता हूं या साइड को छूता हूं या केवल इसे ऐसे छूता हूं, मैं म्यूजिक स्टैंड को और स्टील को छू रहा हूं। इसका मतलब यह है चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, यही तो बात है जो दाऊद समझ गया था। देखिए वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो कई बार भला हो सकता है, बस आपकी शर्तों पर वो अच्छा हो सकता है। दाऊद इस बात को समझ गया कि जब आप परमेश्वर के साथ में संपर्क में आते हैं, तो चाहे आप जैसे भी परमेश्वर के संपर्क में आए, चाहे आपकी दशा कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन में जो भी हो रहा हो, चाहे आप कितने आज्ञाकारी या आज्ञाभंग करने वाले रहे, और आप परमेश्वर के संपर्क में आ सकते हैं, और जब भी आप प्रभु के संपर्क में आए तो आप पाएंगे कि वो हमेशा भला है। मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत है। देखिए मेरे लिए तो ये सच में बहुत ही अद्भुत वास्तविकता है, क्योंकि मेरे मसीह जीवन में, मसीह चाल चलन में, शुरू के दिनों में परमेश्वर तो मानो बदलते रहा जैसे मेरी परिस्थिति बदलती रही। परमेश्वर के बारे में मेरी जो अपेक्षा थी वो बदलती गई जैसे मेरी दशा बदलती चली गई। यानी जानते हैं जैसे कि किसी खास हफ्ते में मैंने अगर बिताए हैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में और वचन पढ़ने में कई घंटे बिताए, पास्टर के रूप में मेरे पास में प्रभु की ओर से बहुत ही अच्छा संदेश था और मैं सच में तैयार था। मतलब देखिए मैं वहां पर केवल अच्छी चीजों की अपेक्षा करता था और मैं अपेक्षा करता था कि परमेश्वर भला हो जाए, और मेरे पास में आशा थी, जानते हैं ये भरोसे की अपेक्षा थी कि वहां पर कुछ न कुछ भलाई तो जरूर होगी। लेकिन अगर अगले ही हफ्ते अगर सब कुछ सही तरीके से काम नहीं किया, अगर मेरे पास समय नहीं था, मैंने प्रार्थना में ज्यादा समय और परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय नहीं बिताया, तो मेरी अपेक्षाएं बस यही थी कि मैं अपेक्षा कर रहा था कि सब कुछ गलत होगा। हालेलुया। देखिए जब हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर भला परमेश्वर हो जाए, यहाँ भजन 107 में, वचन 8 में, वचन 15 में, 21 में, वचन 31 में दाऊद इस तरह से कहता है कि सभी मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करें उसकी भलाई के लिए और मनुष्य की संतान के लिए उसके भले कामों के लिए। अब यहाँ पर मनुष्य के लिए जो ये शब्द है, यहाँ पर के लिए शब्द आप देखेंगे तिरछी लिखावट में है, मतलब ये के लिए जो शब्द है ये असली भाषा में नहीं है। और सच में जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो देखिए यहाँ पर दाऊद इस तरह से कहता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर की स्तुति करे उसके भलाई के लिए। ये मानो परमेश्वर का शीर्षक हो गया, परमेश्वर उसकी भलाई है, वो बस यही तो है। आमेन। तो जब हम इसे देखते हैं ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिस तरह से हम परमेश्वर को देखते हैं, जिस तरह से हम परमेश्वर को समझते हैं। परमेश्वर तो भला है, वो तो केवल यही है। अगर ये सच है, चलिए इसे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या ये सच है। मेरे साथ निकालें निर्गमन। निर्गमन कितना समय बाकी है? लगभग 15 मिनट बाकी है। ठीक है, निर्गमन 33 वचन 12 है। अब यहीं पर परमेश्वर खुद को मूसा पर प्रकट करता है, और निर्गमन 33 ये उनमें से एक है, वचन का एक भाग है जो मेरे जीवन में, ये उनमें से एक वचन है जो मेरे प्राण के लिए मानो लंगर रहा है।
क्योंकि इंद्र के मन 33:12 ये कहता है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, देख तू मुझसे ये कह रहा है कि इन लोगों को निकाल, और तूने मुझे ये नहीं बताया है कि मेरे साथ में तू किसे भेजेगा, जबकि तूने कहा है मैं तेरे नाम से तुझे जानता हूं, और तूने तूने कहा है कि मूसा तूने मेरे दृष्टि में कृपा प्राप्त की है। अब मैं इस वचन में या इस शिक्षा में ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चलिए यहाँ पर मैं मूसा के बारे में कुछ शब्दों में बताता हूँ। यह ऐसी बात है जिसके बारे में ज्यादातर सभी लोग नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग सोचता हूँ, और फिर कहूँ अगर आप मेरे जैसे हैं, जानते हैं जब भी मैं बाइबल में मूसा इस शब्द को पढ़ता था, मेरा मेरी विचारधारा मूसा के बारे में थी, मूसा परमेश्वर का दास था, ठीक है, मतलब वो ऐसा था जिसके द्वारा व्यवस्था आई थी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर इस समय निर्गमन 33 के समय में, यहाँ पर इस वचन में ये हमें यहाँ पर कुछ दिखाता है मूसा के बारे में, और मैं सोचता हूँ इसके बारे में बहुत से लोग सोचते नहीं हैं कि मूसा इस बात के बारे में नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं, हाँ ठीक है ये है, इसका मतलब क्या है? खैर कितने लोग जानते हैं कि मूसा इसराइलियों जैसे नहीं बड़ा, मिस्री के रूप में बड़ा, वो अपनी वंशावली जानता था कहां से आया है, लेकिन वो हिब्रू जैसे नहीं बढ़ा, वो मिस्री जैसे बड़ा, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। उसमें विचारधारा नहीं थी कि प्रभु कौन है। परमेश्वर के बारे में जो विचारधारा थी वो तो मिस्री तरीके की थी, मिस्री ईश्वरों को जानता था। और निश्चय ही हम इस बात को समझते हैं कि जबकि वो अपनी वंशावली को जाना और वापस अपने लोगों के पास में वो गया, और फिर वो वहां पर एक मनुष्य की हत्या करता है, उसके बाद में वो रेगिस्तान के उस पार जाता है, और उस रेगिस्तान के पार परमेश्वर उसके पास में आता है और जलती हुई झाड़ी में उस पर प्रकट करता है। आप ये कहानी जानते हैं, वो उससे कहता है कि तू अपने जूते निकाल, ये पवित्र भूमि है, और जलती झाड़ियों में से उससे एक आवाज बात करती है और उससे कहती है, मूसा मैं चाहता हूं कि तू जा और मेरे लोगों को मिस्र में से छुटकारा दे। और फिर यहां पर मूसा ने परमेश्वर को क्या जवाब दिया? वो कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। उसके बाद में ठीक है उसने ऐसे करने का निर्णय ले लिया, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं क्या कहूंगा कि किसने भेजा है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी से कहा, जा और मैं तेरे साथ में रहूंगा। ठीक है, सही कहा, केवल 3 लोग सहमत हैं। खैर इसके लिए हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन उसने यही कहा, मूसा ने कहा मैं क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है, मैं हूं ने भेजा है। परमेश्वर के साथ उसका बस इतना ही संबंध था। और फिर मूसा जाता है, गौर कीजिए मूसा यहां पर मिस्र में वापस जाता है, और वो बहुत ही कम जानता था या नहीं जानता था कि परमेश्वर सच में कौन है, और वो इस्राएली लोगों को छुटकारा देता है, और सच में उसके पास तो चमत्कार करने वाली सेवकाई थी। मतलब आप चमत्कार करने की सेवकाई के बारे में कहते हैं, इसके पास चमत्कार करने की सेवकाई थी, आमेन, लेकिन नहीं जानता था परमेश्वर कौन है। देखिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बातें की, कहा आर्थर केवल इसलिए कि किसी के पास में चमत्कार करने वाली सेवकाई है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो मुझे जानता है। भाई और बहनों, विश्वासी के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए परमेश्वर के बहुत से दास और दासी हैं और मैं उन सभी से प्यार करता हूं, और ऐसे परमेश्वर के कुछ दास और दासी हैं जिनकी बहुत ही सामर्थी चमत्कार की सेवकाई है, चमत्कार करने की सेवकाई है। समस्या ये है कि हम उनके और बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, वो सेवकाई में होते हैं और जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं और बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो हम उसे बस ले लेते हैं। यहाँ पर मूसा है, वो आकर प्रभु से कहता है, वचन कहता है मूसा ने परमेश्वर से कहा, देखो तू मुझसे कहता है कि तू इन लोगों को निकाल ला, और देखो यहाँ वो तू कहता है और तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ में किसको भेजेगा। मैं सोचता था दूसरे व्यक्ति के बारे में कह रहा है, लेकिन वो कह रहा था तूने तूने मुझे बताया कि इन लोगों को छुटकारा दे, मैं छुड़ाऊंगा, चमत्कार करने की सेवकाई, लेकिन तूने मुझे अब तक नहीं दिखाया है कि तू कौन है। देखिए अगली बात की ओर, वो कहता है, देखिए वचन 13 में, और अब इसलिए तुझसे विनती करता हूं,
यदि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है तो मुझे तू अपने मार्ग दिखा ताकि मैं तुझे जान पाऊं। देखिए मूसा कहता है ठीक है, यहां पर से आगे जाने के पहले परमेश्वर, यहाँ पर 30 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो मुझ पर आधारित हैं, और अभी इस समय तक तूने जो कहा था तूने किया है, मैंने इन लोगों को बाहर लाया, लेकिन यहाँ पर बस यही तो समस्या है कि उसने कहा तूने मुझे नहीं दिखाया है कि तू सच में कौन है, मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ, तो मुझे तू अपने मार्ग दिखा, यानी ये तू अपने काम करने का तरीका बता, कैसे काम करता दिखा, कैसे व्यवहार करता दिखा, मुझे वो तरीके दिखा जिसके द्वारा तू काम करता है, कि जो कुछ भी मैं तुझे करते हुए देखता हूं तो जानूंगा मुझे ही करना है, तेरे बारे में जानता हूं, ये अच्छी बात है, आमेन। तो देखिए यहाँ परमेश्वर ने जो कहा मुझे पसंद है, और वो कहता है कि मैं जानूं और तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो और ये जान लूं कि ये देश तेरे लोगों का है, और उसने कहा यानी परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ में जाएगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। जरा रुकना परमेश्वर, देखो ये तो सवाल नहीं था, सवाल तो था मुझे तो अपने मार्ग दिखा, और मैंने इस पर कई साल तक इस पर मनन किया, मैंने कहा प्रभु मूसा ने कहा कि मार्ग दिखा, उसे तो अपने मार्ग दिखा, लेकिन तूने कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ में जाएगी, तूने अपने मार्ग उसे क्यों नहीं दिखाए, और फिर प्रभु ने एक दिन मुझसे इस तरह से कहा तू जानता है कि मैं बहुत ही बड़ा हूं, बहुत महान हूं, मैंने कहा अगर मैं मूसा को अपने मार्ग दिखा देता तो मूसा अभी भी पहाड़ पर ही रहता, कहता वाह ओ वाह। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपने मार्ग नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे ये कहूंगा यदि मेरी उपस्थिति तेरे साथ में है तो उसका परिणाम होगा विश्राम। और देखिए मूसा यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर अगली बात, यहाँ पर मूसा उससे कहता है यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ न चले तो मुझे लेकर न जा। सामान्य रूप में मूसा ने कहा यदि ये बात सच है तो मुझे और भी कहीं पर जाने नहीं देना इस पल से आगे तेरी उपस्थिति के बिना। विश्राम शब्द का मतलब क्या है, ठीक है मैं सभी क्लास में इस तरह से नहीं करता हूं, तो पवित्र आत्मा जैसे चाहता है वैसे ही हम इसे करेंगे, लेकिन विश्राम शब्द का मतलब क्या है, मतलब अगर मैं आपसे विश्राम कहता हूं तो इसका क्या मतलब है, तनाव की कमी, अच्छी बात है, ठीक है शांति, हाँ इसे शांति भी कह सकते हैं, जानते हैं विश्राम का मतलब यह है कि बोझ दूर करना, बस बोझ दूर करना, सच में अर्थ है कि बैठ जाएं, अपने जूते निकाल दें और बोझ दूर कर दें, आराम करें। जानते हैं मेरे पास में आपके लिए शायद प्रभु से वचन है, प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है आराम करो। कुछ लोग तो बहुत थक चुके हैं, कमान आराम करें, विश्राम, परमेश्वर कहता है यदि मेरी उपस्थिति तेरे साथ में है तो इसका परिणाम यही होगा, तुम विश्राम का अनुभव करोगे, बोझ तो आप पर नहीं होगा, यानी यदि आप बोझ लेकर चलते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, शायद आप नहीं जानते आप मूसा के जैसे हैं, मुझे लगता है कि इस समय तक मूसा ऊपर देख रहा होगा और देखो मुझे क्या करना है, यहां पर देखो 30 लाख लोग मुझ पर आधारित है, मुझ पर ये बड़ा बोझ है, प्रभु कहता है जरा रुको, यदि मेरी उपस्थिति तेरे साथ है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप जानते हैं विश्राम के लिए एक और परिभाषा है जो मुझे पसंद है, जो इसे बहुत ही विस्तार से बताती है, कल्पना कीजिए कि अगर मैं यहां पर आता हूं, आपको एक तरफ ले जाता हूं और मैं आपसे बात करता हूं, बहुत ही गंभीर होता हूं और मैं कहता हूं मैं जब यहां पर आ रहा था ये कहिए हवाई जहाज में एक आदमी के बाजू में बैठा था जो यहाँ पर बारिश में यहाँ पर आ रहा था, और मैंने देखा कि वो बहुत ही ऑफिशियल था, और मैंने देखा कि उनके पास में कुछ था और आपकी तस्वीर उसमें थी, और मैंने देखा कि वो तो FBI का व्यक्ति है, और देखिए मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि उनका यहाँ पर आने का मकसद यही है क्योंकि वो किसी केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं, और मैंने देखा कि वहां पर जो तस्वीर थी वो तो आपकी थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि FBI आपकी जांच पड़ताल कर रही है,
और साथ में मैंने वहां पर आपके अरेस्ट पेपर भी उनके हाथों में देखे हैं, और वो लोग जो हैं वो आपके बारे में जांच रहे हैं, और वो आपके जीवन में कुछ गलत बातों को देख रहे हैं। लेकिन खैर, आज दोपहर को आराम से रहना। देखिए, विश्राम शब्द का मतलब ये भी होता है कि आप जानते हैं कि अब अधिकारी या कहिए परमेश्वर अभी आपके जीवन के बारे में अभी कोई जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि परमेश्वर अभी आपके अंदर में कुछ गलती ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब मैं समझ सकता हूं कि जब ये मूसा कहता है अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे कहीं भी तू अपनी उपस्थिति के बिना जाने नहीं देना, क्योंकि वहां पर ऐसा वातावरण था। और देखिए, यहाँ पर मूसा इस तरह से कैसे कहता है, और इस तरह से वो कहता है कि इस तरह से हम जानेंगे कि मैंने और तेरे लोगों ने तेरे दृष्टि में कृपा प्राप्त की है। क्या ये बात नहीं कि तू हमारे साथ में चलता है? यानी सामान्य रूप में वो कहता है कि किस तरह से, यानी मैं और तेरे लोग है, हमें किस तरह से पहचाना जाएगा, लोग हमें किस तरह से जानेंगे? क्या ये नहीं कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ चलती है? जब वो कहता है मेरी उपस्थिति तेरे साथ में होगी तो तुम क्या पाओगे? तुम विश्राम पाओगे। ध्यान दे, वो यही कहता है। वो कहता है इस तरह से हम निश्चय ही अलग होंगे, या कहिए इस तरह से हमारी पहचान होगी, इस संसार के बाकी लोगों में से दूर अलग होंगे। देखिए, ये एक बात है जो हमें समझना है कि जानते हैं, विश्वासी होने के नाते देखिए हम हर तरह की बातों के स्तर के साथ आते हैं जो हम विश्वास करते हैं कि जब हम इस स्तर को दिखाएंगे, इसे दर्शाएंगे, तो इसी तरह से संसार जानेगा। आमेन। और इसी तरह से संसार में हम पहचाने जाएंगे, और इसी तरह से संसार हमें एक फर्क देखेगा। और सामान्य रूप में वो कहता है यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है, मैं आशा करता हूं कि कलीसिया आज इस बात को ले ले, करिस्मेटिक चर्च और फिर पेंटिकॉस्टल फुल गॉस्पल, अगर बस इस बात को ले ले। देखिए, ये बात जो कि आपको संसार के बाकी लोगों से पूरी तरह से अलग करती है, ऐसा नहीं कि ये सब आपके पास में है। कमान, देखिए, ये ऐसा नहीं कि आपके पास में सब कुछ है, ये ऐसा नहीं कि बस आप इन सारी बातों को दिखा रहे कि आप सबसे उत्तम हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन देखिए, संसार इससे प्रभावित नहीं होगा। मैं आपको संसार में ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जो जिनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं, लेकिन कई बार वो तो विश्वासियों से ज्यादा अपने आदर्श में बहुत ही अच्छे होते हैं। यानी देखिए, ये तो कोई फर्क नहीं लेकर आता है। देखिए, फर्क तो यही है कि इस पूरे गड़बड़ी में पड़े हुए संसार के बीच में आप और मैं विश्राम पा सकते हैं। आमेन, हम विश्राम पा सकते हैं। अब देखिए अगली ही बात, चलिए इसे मैं यहां पर जल्दी से आपको बता दूं। और वचन 17 में कहता है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं ये भी करूंगा जो तूने कहा है, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर हुई और मैंने तुझे नाम से जाना है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा सवाल आता है, दूसरी बार ये पूछता है, और उसने कहा मैं विनती करता हूँ, मूसा ने कहा मैं विनती करता हूँ, मुझे अपनी महिमा दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, परिपूर्णता दिखा, तेरा तेज मुझे दिखा जो तेरे बारे में है। परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया, और परमेश्वर ने कहा, उसने कहा मैं अपनी सारी भलाई को तेरे सामने से जाने दूंगा। जरा रुकना प्रभु, मूसा ने कहा कि तू उसे अपनी महिमा दिखा, तेरी भरपूरी, तेरा तेज, तेरा दृष्टिकोण और विचारधारा, मतलब सब कुछ। और हिब्रू में यहाँ पर महिमा शब्द का अर्थ होता है तेरा तेज, तेरी परिपूर्णता और परिपूर्णता भरपूरी, कि परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर कहता है ठीक है, तू देखना चाहता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, परिपूर्णता में मैं अपनी भलाई को तेरे सामने से जाने दूंगा। यानी परमेश्वर की महिमा तो उसकी भलाई है, पूरा तेज, भरपूरी और परमेश्वर की परिपूर्णता। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी भलाई को तेरे सामने से जाने दूंगा, और तेरे सामने परमेश्वर के नाम की घोषणा करूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूं अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूंगा उस पर मैं दया दिखाऊंगा। और उसने कहा तू तो मेरे चेहरे को नहीं देख पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रहता है। ये ऐसा नहीं कहता है कि कोई मनुष्य मुझे देखकर मर जाएगा, ये कहता है यहाँ पर कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। एक बार जब वो देख लेते हैं परिपूर्णता कि मैं कौन हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं केवल अपनी पीठ तुझे दिखाऊंगा, मैं अपनी पीठ तुझे दिखाऊंगा। कितने लोग समझते हैं कि बहुत से लोगों के लिए जो पीठ है ये तो कम महत्व, कुछ
पूर्ण होती है। और परमेश्वर कहता है अगले वचन में, वचन 32 में कहता है, और मैं आकर तेरे सामने से चलूंगा जबकि मेरी महिमा वहां पर सामने से जाती है। देखिए परमेश्वर की भलाई, वो कहता है ये मेरी महिमा है, मेरी महिमा मेरी भलाई दोनों एक ही बात है।